प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने देश और गांव को आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया है। उसके क्रियान्वयन के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसमें किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा। उन्होंने कहा कि सामूहिक खेती होगी, कृषक उत्पादन समूह बनेंगे और व्यापार का लाइसेंस मिलेगा, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर गांव बनाने का जो निर्णय लिया है, घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने, संकल्प लिया है, तो खाली घोषणा नहीं है, उसको क्रियान्वयन भी किया है। जो कहते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री जी, उसके लिए सुनियोजित तरीके से व्यवस्था करते हैं, बजट की व्यवस्था की है। 20 लाख करोड़ का पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने दिया है। किसानों को 1 लाख करोड़ मिलेगा, उसमें से वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, साइलों और ग्रेडिंग और फूड प्रोसेसिंग प्लांट, ये डालेंगे। किसानों के कृषक उत्पादक समूह बनेंगे। अब सामूहिक खेती होगी, उससे किसान अपना माल, किसान खेती भी करेगा, व्यापार का लाइसेंस भी लेगा, व्यवसाय का भी लेगा और निर्यात का लाइसेंस भी लेगा, और उसमें वेयर हाउस में अपना माल रख सकेगा, कोल्ड स्टोरेज में रख सकेगा। अभी उन्हें पौने भाव पे बेचना पड़ता है, मजबूरी है, उसके पास रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है, और वो अब रखरखाव की व्यवस्था 75% बैंक से उसको ऋण मिल जाएगा, ताकि उसकी उधारी वो चुका देगा, और जब भाव अच्छा आएगा, जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान खुद कमाएगा।